बच्चों आज आपका हिंदी व्याकरण में विषय रहेगा समरूपी भिन्नार्थक शब्द तथा अपठित गद्यांश। आप पढ़ेंगे, समझेंगे तथा फेयर कॉपी में लिखेंगे। आइए शुरू करते हैं। बच्चों अब मैं आपको समरूपी भिन्नार्थक शब्द बताऊंगी। जिन शब्दों का उच्चारण तो लगभग एक सा होता है परंतु अर्थ अलग अलग होते हैं वे समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे अंदर भीतर कहते ना, वह भीतर है वह अंदर है। अंतर अंतर है भेद और या बीच में। तो बच्चों देखो दोनों शब्दों का उच्चारण तो एक सा है पर इन दोनों के अर्थ अलग हैं तो ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। अगला अचल पहाड़, अचला पृथ्वी, अचार नींबू आम का अचार या कोई भी अचार ले लो, आचार आचरण भाई इसका आचरण कैसा है, अणु बाद में अणु कण छोटे छोटे अणु छोटे छोटे कण। अब देखिए दोनों की शब्द दोनों एक से हैं पर दोनों के अर्थ अलग हैं। आकर खान, आकार रूप, आसमान आकाश, आसमान जो एक सा नहीं हो, उपयुक्त उचित, उपयुक्त ऊपर कहा गया, ग्रह घर, ग्रह सूर्य मंगल आदि, दिन दिवस, दीन दरिद्र, निश्चित पक्का, निश्चिंत चिंता रहित, नीर पानी, नीड घोषणा चिड़िया का जो होता है, पढ़ना आराम करना, पढ़ना पढ़ाई लिखाई करना, पढ़ना भाई आराम कर रहा है वो पढ़ गया, पढ़ना पढ़ाई लिखाई करना पढ़ना। ये बाग बगीचा, बाघ एक जानवर का नाम, बाहर भीतर का उल्टा कहते ना, बाहर अंदर, अंदर बाहर, बाहर रौनक, बुरा खराब, बुरा पिसी शक्कर जो बारीक चीनी पिसी भी होती है व्हाइट बेटा सफेद, सामान वस्तुएं, समान बराबर जैसा हम सारे एक समान है, ये आपका सामान है वस्तुएं हैं। तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि शब्दों का उच्चारण तो एक सा होता है परंतु उनका अर्थ अलग अलग होता है, ऐसे शब्दों को समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। आप इसको साफ साफ अपनी फेयर नोटबुक में याद करेंगे और लिखेंगे। अपठित गद्यांश, बच्चों जिसको आप अनसीन पैसेज भी कहते हैं या बोलते हैं, तो ऐसा गद्यांश जो पहले पढ़ा नहीं गया है अपठित गद्यांश कहलाता है। तो भाषा की यह अच्छी पकड़ तथा समझ के लिए अपठित गद्यांश का अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। यहाँ अपठित गद्यांश उदाहरण के रूप में दिया गया है, छात्र उसे पढ़े तथा समझे। बच्चों आप सब इस अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके पश्चात अभ्यास के लिए दिया गया अपठित गद्यांश हल करें। उदाहरण बच्चों देखिए, फर्स्ट हमारे देश के महान संत स्वामी रामतीर्थ एक बार जापान गए, वे रेल में यात्रा कर रहे थे। एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें खाने को फल नहीं मिले, उन दिनों फल ही उनका भोजन था। गाड़ी एक स्टेशन पर ठहरी, वहाँ भी उन्होंने फलों की खोज की पर उन्हें वहाँ अच्छे फल नहीं मिले। उनके मुंह से निकला, जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते। एक जापानी आदमी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, वह अपनी पत्नी को रेल में बैठाने आया था। उसने ये शब्द सुन लिए, वह अपनी बात बीच में ही छोड़कर भागा और कहीं दूर से एक टोकरी ताजे फल ले आया। वे फल उसने
स्वामी रामतीर्थ को भेंट करते हुए कहा, लीजिए आपको ताजे फलों की जरूरत थी। स्वामी जी ने समझा कि यह कोई फल बेचने वाला है, उन्होंने दाम पूछे, मतलब उन्होंने फलों की कीमत पूछी, उसका रेट पूछा, पर उसने दाम लेने से इनकार कर दिया। बहुत आग्रह, बहुत विनती, बहुत रिक्वेस्ट करने पर उसने कहा, आप इनका मूल्य देना ही चाहते हो तो वह यह है कि आप अपने देश में जाकर किसी से यह न कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। तो बच्चों, आपने ये पहरा पढ़ा, इसमें संत स्वामी राम तीर्थ जी के बारे में बताया कि वे जापान गए, उनको वहाँ फल नहीं मिले, तो उन्होंने ये कहा कि जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते, तो वहाँ पर एक व्यक्ति ने ये बात सुनी और उनको तुरंत एक फलों की टोकरी लाके दी और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट भी की कि आप अपने देश में जाकर ये ना कहिएगा कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। तो इसी के आधार पर क्वेश्चन प्रश्न दिए गए हैं और उन्हीं प्रश्नों का उत्तर आपको इस यहाँ पर आपको पहरे में मिलेगा। तो आप इन प्रश्नों के उत्तर इसमें से छांटकर और पढ़कर लिखेंगे। तो आइए देखते हैं, स्वामी राम तीर्थ को फलों की आवश्यकता क्यों थी? देखिए यहाँ पर लिखे हैं, स्वामी राम तीर्थ को फलों की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि वे भोजन के रूप में फल ही खाते थे। स्वामी राम तीर्थ जी फलों को ही ग्रहण करते थे, वह भोजन नहीं लेते थे। जापान में शायद अच्छे फल नहीं मिलते, स्वामी जी ने ऐसा क्यों कहा? स्टेशन पर उन्होंने फल खोजे, मतलब स्टेशन पर उन्होंने फल ढूंढे, परंतु उन्हें ताजे फल नहीं मिले, तब उन्होंने सोचा कि यहाँ अच्छे फल नहीं मिलते। जापानी युवक ने पैसे लेने से मना क्यों किया? वह कोई फल बेचने वाला नहीं था, बल्कि अपनी पत्नी को गाड़ी में बैठाने आया था। उसे जब मालूम पड़ा कि स्वामी जी को फल नहीं मिले, तब वह स्वयं जाकर फल ले आया। तो देखिए बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश से युवक के व्यक्तित्व के बारे में क्या पता लगता है? प्रस्तुत गद्यांश से युवक के देश प्रेम का पता चलता है। उसने अपने छोटे से काम से अपने देश का गौरव बढ़ा दिया। तो बच्चों, ये आपका अनसीन प्रेसिस अपठित गद्यांश, आप इसको पढ़ेंगे और इनके प्रश्न उत्तर को याद करके साफ साफ लिखेंगे।